नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में मूसलाधार बारिश के कारण गरीब पीड़िता का मकान भरभराकर गिर गया। आपको बता दें कि ब्लॉक नूरपुर के गांव गोहावर हल्लू में सुरेंद्र बाला पत्नी तेग बहादुर ने एक कच्चा मकान बना रखा था, जिसमें परिवार के सभी लोग अपना गुजर बसर करते थे। जिला बिजनौर में मूसलाधार बारिश के कारण वह मकान भर भरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, जिसमें पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से सरकार से मकान बनवाने की मांग की है। पीड़िता ने मौजूदा ग्राम प्रधान वरम सिंह पर सरकारी योजना के अंतर्गत आने वाले मकान को लेकर ग्राम प्रधान पर 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि मैं काफी समय से मकान को लेकर परेशान चल रही हूँ, लेकिन मेरा अभी तक मकान नहीं बन पाया और ग्राम प्रधान ने मकान बनवाने को लेकर 5,000 रुपए मुझसे ले लिए हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि मुझे मेरे हक में मेरा मकान बनवा दिया जाए। वाला है, मैं गोहावर हल्लू के रहने वाली हूँ। क्या मामला हुआ, आपकी छत कैसे गिरी है? मेरी छत बारिश में गिरी है। कब गिरी है ये? बारिश में परसों गिरी थी। आपने किसी से शिकायत की? मैंने शिकायत तो नहीं की, लेकिन प्रधान को मैंने कहा कई बार, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मकान बन जाएगा। जब प्रधान बने तभी उन्होंने मुझसे पैसे ले लेते कि मकान बन जाएगा अगले महीने ही। कितने पैसे लिए? 5,000। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हमने उनसे कहा, तभी टालते टालते 2 साल हो गए, लेकिन उन्होंने हमारा मकान नहीं बनवा के दिया, ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। आज भी मेरा बीमार है, और बड़ा लड़का भी मेरा गूंगा है और विकलांग है, इसकी दवाई चलती रहती है। बताओ मैं कहाँ से करूँ? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे पढ़ने जाते हैं, और वे इसके पापा हैं वे बीमार हैं और काम करने के लायक नहीं है। जैसे थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं तो वे बीमार पड़ जाते हैं, और मैं घर सब बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों को छत मिल जानी चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। आपने किसी अधिकारी से इस संबंध में शिकायत की कि मेरा मकान नहीं? नहीं, मैंने और किसी से नहीं कहा। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए छत हो जाए। वहीं ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों को लेकर विकास खंड अधिकारी नूरपुर राजवीर सिंह ने बताया कि यह मामला हमारे सामने आया है, इस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी अभी मेरे सामने आई है, मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि सत्य पाया जाता है कि वास्तव में प्रधान जी ने पैसे लिए हैं, तो उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा और कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध में जब हमारे द्वारा ग्राम प्रधान से बात की गई, तो उन्होंने 5,000 रुपए महिला से उधार लेने की बात कही है। क्या जो एक गरीब महिला है जिसके सर पे छत भी नहीं है, क्या वो उधार 5,000 रुपए ग्राम प्रधान को दे सकती है? नहीं, गरीब महिला तो 5,000 उधार क्या देगी, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके बाद ही कुछ कह पाना स्पष्ट होगा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।